जसमनी देवी जो कि उनकी माता हैं, वो क्या कह रही हैं अपने बेटे के मुख्यमंत्री बनने के बारे में, सुनवाते हैं आपको। भैया स्कूल में पढ़ा पांचवी, और पांचवी पास करके वो फुलपुरी लोयला में गए। लोयला में पढ़कर उसका मामा थे, वो ले गए अंबिकापुर पढ़ाने के लिए कॉलेज। तो इधर देखभाल करने वाले कोई नहीं थे घर में, इसीलिए हम लोग छोड़ा रही बाबू। यहाँ घर संभालता था, उसके बाद पंच बना, सरपंच बना, दो बार ये विधायक बना, और तीन बार प्रदेश अध्यक्ष, और चार बार सांसद बना, एक बार मंत्री, और अभी फिर बनने जा रहा है। कभी तो फाइनल भी नहीं हुआ है। हाँ जी करेगा, उसका स्वभाव स्वभाव ऐसे ही है, उसका व्यवहार अच्छा है, नहीं गुस्साते हैं वो, थोड़ा मोड़ा तो होता है ना। हम लोग तो विष्णु देवसाय करके पुकारते हैं, बेटा बोल के बाबू बाबू, गांव में तो बाबू बेटा ऐसे ही करते हैं। अभी भी करते हैं, खेत तरफ जाते हैं घूमने, देखते दिखता तकता सब कुछ करता है, सबका ख्याल रखता है, वही खेती बाड़ी देख रेख सबका करता था। मैं तो चाहती हूँ कि देश का सेवा करे, जनता का सेवा करे, धर्म का भी करे, सबको एक समान करे, सबका दुख सुख सबको सुने, सबका सहायता करे। तो आप सुन रहे थे विष्णु देवसाय जो कि छत्तीसगढ़ के होने वाले मुख्यमंत्री हैं, उनकी माता जी की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे, जिनका ये कहना है कि देश की सेवा, जनता की सेवा करने के लिए लालायित रहने वाले विष्णु देवसाय अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। और ऐसे में अपने जीवन के संघर्ष को भी उन्होंने याद किया, इस दौरान किस तरह से पालन पोषण किया, किस तरह से यहाँ तक का सफ़र तय किया विष्णु देवसाय ने। और चूंकि बेटा किसी भी पद पर पहुंचे, एक माँ के लिए वो हमेशा बेटा रहता है, और इसलिए वो बता रही हैं कि वो हमेशा बेटा या बाबू कहकर ही विष्णु देवसाय को बुलाते हैं। तो लगातार तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ नारेबाजी भी हो रही है, और आप तस्वीरें देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से तस्वीरें।